हमने कुछ नया अध्याय शुरू किया है, सोचा था हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता करते करता उसका हौसला उसका मांग, तब हम उधर सक्रिय रूप से राजनीतिक नहीं रहूंगा। आखिरकार चंपई सोरेन का दिल्ली दौरे का नतीजा सामने आ ही गया। पिछले दो हफ्ते से चल रहा सस्पेंस मंगलवार को खुद मीडिया के सामने आकर चंपई सोरेन ने ही खत्म कर दिया। अब खुलकर ऐलान कर दिया कि हेमंत सोरेन का साथ छोड़कर वो बीजेपी का दामन थामेंगे। कोई भी कुछ कहे, हमने बड़ा संघर्ष किया है। हमारा इतिहास, हमारा संघर्ष झारखंड प्रदेश में आईना की तरह है। हम किसी का कोई भी कुछ कहे उससे हमारा कोई उसको जवाब देने हम उचित नहीं समझते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात का जिक्र करते हुए चंपई सोरेन ने 18 अगस्त का जिक्र भी किया, जब उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर जेएमएम में हुए अपमान की बात कहते हुए तीन विकल्प खुले होने की बात कही थी। आखिरकार चंपई सोरेन ने अपने लिए तीसरा विकल्प चुन लिया। हमने पहले जब आए थे 18 तारीख को हमने अपना पोस्ट हम दे दिया था। पार्टी में हमसे सीनियर एक है जो स्वास्थ्य गुरु जी है, स्वास्थ्य खराब है, बोल नहीं पाते हैं, इसीलिए हमने कुछ नया अध्याय शुरू किया है। और नया अध्याय पहले तो सोचा था हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला उसका मांग, तब हम बोला सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। पहले तो हम सोचा था संगठन बनाएंगे नया, समय का कमी और झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का उनका विश्वास, उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। बीजेपी में अपनी एंट्री फिक्स करने के बाद चंपई सोरेन रांची रवाना होने वाले हैं। 30 अगस्त को वो औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि अभी कार्यक्रम को लेकर सस्पेंस है कि चंपई सोरेन दिल्ली आकर बीजेपी ज्वाइन करेंगे या बीजेपी के बड़े नेता उन्हें रांची में बीजेपी में शामिल कराएंगे। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन के इस फैसले पर बीजेपी के बड़े नेताओं के कुछ बोलने से पहले ही जीतन राम मांझी मीडिया के सामने आए और चंपई सोरेन के जेएमएम में हुए अपमान की बात को दोहराते हुए उनके फैसले को सही ठहराया। जीतन राम मांझी वही हैं जिन्होंने चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के ऐलान से बहुत पहले ही उनका सोशल मीडिया पर एनडीए में स्वागत कर दिया था। तब चंपई सोरेन दिल्ली दौरे को निजी दौरा बता रहे थे, तभी 18 अगस्त के पोस्ट में जीतन राम मांझी ने लिखा था, चंपई दा आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे, एनडीए परिवार में आपका स्वागत है, जोहार टाइगर। खैर, झारखंड में चुनावी बिगुल बजने से पहले बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया है। चंपई सोरेन हालांकि बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद होंगे इसकी तस्वीर चुनाव के नतीजों के बाद साफ होगी। फिलहाल तो चंपई नए साथी के साथ नए मिशन में जुटने वाले हैं।